कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, क्या स्वाद है जिंदगी में। इसको सुनकर आपको यकीनन याद आया होगा 90 के दशक का कैडबरी डेरी मिल्क का वो एड, जिसमें एक क्रिकेट मैच के बीच में बैट्समैन को बस एक रन की जरूरत थी शतक पूरा करने के लिए। वो बल्ला घुमाता है और बॉल जाती है बाउंड्री की तरफ, लेकिन बॉल और बाउंड्री के बीच में खड़ा है एक फील्डर। दर्शक जानने के लिए उतावले कि बैट्समैन की सेंचुरी लगेगी या उसे लौटना होगा पवेलियन वापस। और अगले ही पल इसका जवाब भी मिल जाता है, क्योंकि ये आउट नहीं, सिक्स था। पर ठीक है, उसका शतक तो बन गया, लेकिन इससे चॉकलेट का क्या वास्ता था? ये जानने के लिए पहले ये जानिए कि इस इंटरेस्टिंग मैच के दौरान ऑडियंस के बीच में बैठी थी एक खूबसूरत सी लड़की, जिसके माथे पर शिकन की लकीरें और हाथों में थी कैडबरी डेरी मिल्क। बॉल थी हवा में और लड़की थी फिक्र में, इधर पड़ा छक्का और उधर लड़की भी मस्ती में थिरकने लगी। डेरी मिल्क खाते खाते वो उतर आती है मैदान पर बिना किसी फिक्र के और झूमने लगती है मैदान के बीचों बीच। क्या करिश्मा था उसके उस कैफ्री डांस में कि वाकई देखने वालों को कहना पड़ा क्या स्वाद है जिंदगी में। और अब वही कह रहे हैं, मानना पड़ेगा दम है एड में। खास बात यह है कि अगर आप उस दशक में नहीं भी थे और आप चूक गए इस यादगार एड को देखने से, तो अब आप इसे देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कैडबरी डेरी मिल्क ने एक बार फिर इस एड को पोस्ट किया है। सिर्फ इसे ही नहीं, इसके साथ बिल्कुल इसके जैसा दिखने वाला एक और एड वो लेकर आए हैं, बस एक बड़े बदलाव के साथ। इस नए एड में आप देख सकते हैं कि इस बार मैदान पर महिला क्रिकेट मैच चल रहा है। कहानी वही है, बस सोच नहीं है। वही शतक के लिए बल्ला घुमाती महिला क्रिकेटर, ऑडियंस में बैठे लड़के की फिक्र, छक्का बढ़ने पर लड़के का मैदान के बीच कैडबरी डेरी मिल्क थामे बेसुध नाचना, और इन सब के बीच बचता वो जिंगल, कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, क्या स्वाद है जिंदगी में। ये दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसकी दो वजह है। पहला, कैडबरी डेरी मिल्क की ओर से फिर से दिखाया जा रहा ये एड सिर्फ विज्ञापन नहीं है, बल्कि लोगों के लिए एक खूबसूरत याद है जो एक बार फिर ताजा हो गई। वहीं दूसरी वजह है, कैडबरी डेरी मिल्क का इस एड के माध्यम से वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ये दिखाना कि अब मैदान पर बल्ला सिर्फ लड़के उठाए ये जरूरी नहीं, कैडबरी की तरफ से एक अच्छा और स्मार्ट मूव था। लेकिन हाँ, स्मार्ट का टैग इसे हमने नहीं दिया, लोगों ने दिया है। दरअसल इस एड को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। तारीफ करने वाले यूं तो बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस एड का दूसरा पहलू देखते हुए इसे कैडबरी डेरी मिल्क की पीआर टेक्निक करार दिया है। वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नाराजगी जताई है उनकी यादों के साथ छेड़खानी करने पर। उनके हिसाब से नया एड पुराने की बराबरी नहीं कर सकता। वहीं दर्शकों में कुछ ऐसे भी हैं जो इस बात पर गुस्सा भी जता रहे हैं कि विज्ञापन के लिए कैडबरी ने इस मुद्दे का इस्तेमाल किया है। बता दें कि कैडबरी डेरी मिल्क ने वीडियो पोस्ट करने के साथ ही लिखा है, ज्वाइन कैडबरी डेरी मिल्क इन सेलिब्रेटिंग एंड चीयरिंग फॉर आवर गर्ल्स हु आर मेकिंग स्पेक्टेकुलर सक्सेस स्टोरीज एंड इमर्जिंग एज पावरफुल रोल मॉडल्स फॉर द यूथ हैशटैग कैडबरी डेरी मिल्क हैशटैग गुड लक गर्ल्स हैशटैग कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए। यहाँ तक कि एड वीडियो के आखिर में भी बकायदा हैशटैग गुड लक गर्ल्स लिखा गया। बताइए हमें कि 90 के दशक में बना ये एड और इसमें आज के वक्त में दिखाए गए बदलाव को लेकर आपकी क्या राय है। ये डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।